सिलीगुड़ी से, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी के अंदर पड़ता है। कान से सुनाई नहीं देता रहा और आवाज़ आता रहा दोनों कान से, जो सुनाई देता रहा वो भी पूरी तरह समझ नहीं आता रहा आज तक। ये 12 साल हो गए। इंडिया के सभी बड़े बड़े डॉक्टर दिखा दिया, बेलोर में दिखाया, माता अमृता में दिखाया, दिल्ली सिलीगुड़ी में दिखाया, प्राइवेट से लेके सरकारी के सभी डॉक्टर को दिखाया। बोला इसका कोई इलाज नहीं है अभी, या तो मशीन लगाइए या तो छोड़ दीजिए। बहुत पैसा पैसा तो बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, लाखों नहीं माने कम से 3-4 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपये लग जाए। वीडियो देखा था बहुत सारा, 2 साल से वीडियो देख रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से आ नहीं पा रहा था। अभी तो मैंने चलिए आप जो बोल रहे हो मैंने यहाँ पर सुन रहा है, अभी काफ़ी साउंड भी अभी कान में जो आवाज़ आता है वो भी अभी कम हो गया है, और इसके बाद मैंने अस्पष्टता सुनाई दे रहा है। अभी महेश राय मेरे बड़े भाई साहब, जैसा कि ट्रीटमेंट आप लोगों ने किया, भाई साहब बताए थे, उन्होंने वीडियो देखा था, उनको काफ़ी अच्छा लगा था, बोले कि वही ट्रीटमेंट हो सकता है, चलिए फिर समय निकाल के हम यहाँ आए। और जैसी स्थिति इनकी पहले थी कि हम लोग घर पे भी बात करते हैं, हमारे घर में रहते हैं, तो कुछ सुनाई नहीं देता था, ये खुद भी रिप्लाई धीरे से देते थे, लेकिन खुद भी थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं अच्छे से नहीं बात कर पा रहा हूँ, कोई बोल रहा समझ नहीं पा रहा हूँ मैं तो। लेकिन अभी जब हम यहाँ ट्रीटमेंट करवाए तो अभी 3 घंटे में ही, 3 घंटे क्या इफेक्टिवली 2-2.5 घंटे ही हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने 2 बार ही दवा डाला 1 घंटे के अंतर पे, लेफ्ट ईयर में और राइट ईयर में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको, अभी फायदा हुआ है, वो खुद ही बोल रहे हैं, पेशेंट अभी सामने ही बोला उन्होंने, हमें भी अच्छा लग रहा है कि उनको सुनाई दे रहा है। अगर उसमें उससे बोला जाए कान का ट्रीटमेंट करवाना है किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो, जैसा कि आप लोगों ने लिखा है, अभी मेरे भाई साहब को जो प्रॉब्लम था वो मैं जानता हूँ, किसी तरह आप लोगों ने क्लियर कट ही बोला है, किसी भी तरह की समस्या हो, बाय बर्थ हो, बाय एक्सीडेंट हो, या कभी सर्जरी करते समय डॉक्टर से कोई गलती हो जाती है, या शरीर का ही रिस्पॉन्ड गलत हो जाता है, तो आप लोग उसका इलाज कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा जिसको भी कान का समस्या हो वो 100% कैसे भी अपना थोड़ा बहुत पैसे का अरेंजमेंट करे, जितना पैसा लगाता कहीं और यहाँ पर आए। अगर नहीं आ सकता तो अभी कोरोना के समय शायद ऑनलाइन फैसिलिटी भी शुरू हो गई है, तो वहाँ से मंगा लें, तो उसके आने जाने का कम से कम 5,000 रुपये तो बच जाएंगे, 5-7 हज़ार रुपये जो भी है। सही सही, तो उस दवा से आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा और आना ही चाहिए आपको। हम तो यही बोल रहे हैं कि हर किसी को यहाँ पर आना, क्योंकि बेकार और डॉक्टर चक्कर पड़ेगा, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सही, क्योंकि हम पूरा इंडिया घूम लिया, सभी डॉक्टर को दिखाया है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, महंगा से महंगा, सस्ता सस्ता, नामी से नामी तक दिखाया है, और लास्ट माने कि 5 साल से किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, मशीन भी लगाना छोड़ दिया। सही, क्योंकि हमको खुद फील होने लगा कि मशीन लगाएगा तो तेजी से घट रहा है, एक समय तो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, नहीं इलाज है कोई बात नहीं है, लेकिन जितना सुनाई दे रहा है उतना तो पड़ा हुआ है। फिर आपका वीडियो देखा, आपका वीडियो देखने के बाद हमको चलो एक बार यहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत सारा वीडियो देखा और आज तक वीडियो देखते आ रहा हूँ, हम रास्ता में भी वीडियो देखा है, समझे, दामकुनी का वीडियो देखा था, घंटों का वीडियो देखा था, 4-5 दिन पहले घंटों का वीडियो देखा था, तो हम कहा कि नहीं अभी एक चक्कर लगा ही देता जो भी होगा, पर